हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मीनाक्षी फ्रेंड्स में अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, दीपावली आने वाली है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ दीपावली की। तो आज रेसिपी के बारे में बात करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल की मिठाई, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं एप्पल की मिठाई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे मावा। ये 400 ग्राम मावा है और मावे को अच्छे से हम क्रम्बल कर लेंगे। तो मैंने एक प्लेट ले ली है और इसे मैं क्रम्बल कर लेती हूँ। इस तरीके से आप मावे को अगर क्रम्बल कर लेते हैं तो जब हम उसे भूनेंगे तो थोड़ा ईजी रहता है, अच्छे से भून जाता है। अब दिवाली का मौका है, आप सभी जानते हैं, और मिठाइयों में मिलावट बहुत होती है। अगर आपको मावा भी नहीं मिलता है तो आप मिल्क पाउडर से भी बहुत अच्छा मावा तैयार कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। एक कप दूध लीजिए और दो कप लीजिए मिल्क पाउडर, और उसे अच्छे से मिलाने के बाद गैस पर रखिए और जमने वाली कंसिस्टेंसी तक मिलाइए, तो बिल्कुल मावे जैसा उसका टेक्स्चर हो जाएगा। मावा हमने क्रम्बल कर लिया है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसे कढ़ाई में डाल के हम भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, मावे को हमने क्रम्बल कर लिया था, गैस पे रख दी है कढ़ाई और गैस को कर देंगे हम ऑन, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे कढ़ाई को, और जो क्रम्बल्ड मावा है वो कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे धीरे धीरे। तो देखिए कितना ईजिली मावा हमारा क्रम्बल्ड हो गया था और अच्छे से भून भी जाएगा। कम आँच पर हमें इसे भूनना है, कम आँच पर हम मावे को भूनेंगे तो उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है और मावा जलेगा भी नहीं। तो दिवाली का मौका है, आप घर पे ये रेसिपी बना सकते हैं। घर पे आप रेसिपी बनाएंगे तो आपको थोड़ा सस्ती भी पड़ती है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई बनती है और सेफ भी होती है। जैसे कि आजकल मावा आ रहा है मार्केट में मिलावट वाला, तो आप घर पे इजीली बना सकते हैं मावा और ये रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं। तो मावे को हमें अच्छे से भूनना है, बिल्कुल कंटिन्यू भूनना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप भूनते रहेंगे लगातार तो वो कढ़ाई पर चिपकेगा नहीं, और एक फ़ायदा ये भी होगा कि टेस्ट भी अच्छा आएगा मावे का। तो देखिए मैंने भी भूनना स्टार्ट कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, केसर का लेंगे हम दूध, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। तो मैं केसर वाला दूध इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसे मिलाएंगे, क्योंकि हमने दूध भी डाला हुआ है तो हमें इसमें दूध भी अच्छे से मिलाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से मिला रहे हैं हम इसे, और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। और केसर आप जानते हैं जिस चीज़ में डाल देते हैं उसी का टेस्ट बिल्कुल चेंज कर देता है। तो देखिए कलर भी चेंज हो गया है और इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है। बहुत अच्छे से मावा भून के तैयार हुआ है फ्रेंड्स हमारा। अब हमें क्या करना है, गैस कर देंगे ऑफ और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे कि क्या होगा, इससे रेसिपी बहुत परफेक्ट बने। मावा फ्रेंड्स हमारा ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम डालेंगे आधा कप बूरा। बूरा जो है, बूरे की जगह आप तीसरी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, और मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ मीठा आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं तो हमने कम ही डाला है। तो अब मैं इसे हाथ से मिला लेती, क्योंकि हाथ से ईजिली मिलता है और अच्छे से मिल जाएगा, तो आप भी हाथ से मिला सकते हैं। तो मैं भी इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये रेसिपी इतनी अच्छी होती है, देखने में भी बहुत खूबसूरत होती है, तो बिल्कुल मार्केट जैसी आप घर पर बना सकते हैं। तो अच्छे से मिला लिया है मैंने इसका पूरा डो टाइप हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल्स बनाने के लिए मैं एक ले लूँगी प्लेट और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाऊँगी, बिल्कुल लड्डू जैसे बनाने हैं। जैसे आप लड्डू को देखते हैं ना, लड्डू लगते हैं, और मैं आपको बताऊँ बिल्कुल लड्डू जैसे ही लग रहे हैं। और छोटे छोटे बॉल्स हम इसके सभी बना के तैयार कर लेंगे। मार्केट में फ्रेंड्स ये मिठाई बहुत ही महंगी होती है, मैंने भी कई बार देखा है, और बीकानेर और बहुत ही फेमस शॉप पर ये मिलती है। तो आप देखिए घर पे भी कितनी खूबसूरत मिठाई बना सकते हैं। तो सभी बॉल्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल लड्डू जैसे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल लड्डू जैसे। अब हमें क्या करना है, लड्डू को हम एप्पल की शेप देंगे, तो जिसके लिए हमने हल्का सा डेंट किया बीच में, और इसमें हम लगा देंगे लौंग। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है लौंग लगते ही, इसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल एप्पल वाला लग रहा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी है, बाकी सभी इसी तरीके से हम डेंट करेंगे, सब में लौंग लगा लेंगे, अब बिल्कुल एप्पल की शेप दे देंगे। क्या खूबसूरत रेसिपी बनके तैयार हुई है, सभी मिठाई बनके तैयार हो गई फ्रेंड्स। आप ऐसे ही इसे सर्व कर सकते हैं, ऐसे ही सुंदर भी लगती है और टेस्टी भी लगती है। बट आप हम इसे एक मैजिकल ट्विस्ट देने वाले हैं, जिसके बाद कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसे घर पर बनाया है। अब हम क्या करेंगे, फूड कलर लेंगे
और एक ब्रश है जो बच्चों का पेंट ब्रश होता है ना, बिल्कुल वही ब्रश। आप कोई भी साफ सा ब्रश ले लीजिए जिससे आप रेसिपी बनाएं। तो हल्का हल्का सा इस पे हम रेड कलर लगाएंगे, बहुत सावधानी से लगाइएगा। जिसके बाद तो फ्रेंड्स इसका जवाब ही मत पूछे, बिल्कुल मार्केट जैसी एप्पल की मिठाई लगने वाली है। तो हल्का हल्के हाथ से आप इस तरीके से इस पे कलर लगा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत मिठाई बनके तैयार हुई है। मिठाई वाले बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, बहुत ही लाजवाब मिठाई लगती है। अब बिना कलर लिए मैं इसे हल्का सा टचअप कर देती हूँ ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। ये देखिए, फिर से कह रही हूँ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए कि कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी बहुत टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है। अब थोड़ा सा शाही लुक देने के लिए इसमें हम हल्का सा पिस्ता लगा देंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट लगे एप्पल की मिठाई हमारी। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी लाजवाब बन रही है। बिल्कुल इसी मेथड के साथ बाकी सभी एप्पल की मिठाई हम तैयार कर लेंगे। तैयार है हमारी शानदार शाही एप्पल की मिठाई। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत मिठाई लग रही है। अब आप दिवाली पे अपने गेस्ट को सर्व करेंगे ना तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पर ही बनाया है। कमेंट में लिख के फ्रेंड जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। कितनी टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई है। दीपावली के शुभ अवसर पर आप इस मिठाई को बना सकते हैं, खा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी खिला सकते हैं। और मिठाई अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई डिलीशियस एंड यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।